दोस्तों आदाबर से मैं निसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। पूरा देश एक और कोरोना महामारी की चपेट में है, दूसरी ओर मरीजों को जो प्राणदायक जो ऑक्सीजन है वो मैसर नहीं हो रही है। अखबार इन्हीं खबरों से भरे पड़े हैं जिसमें वाणिज्य मंत्रालय, अब आप देखिए यहाँ क्या चल रहा है कि इसमें वाणिज्य मंत्रालय एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देता है, जहां देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी है, सरकार इस प्राणदायक वायु का एक्सपोर्ट कर रही है ना, चौंकाने वाली खबर पूरी तरीके से। 2020-21 में जब कोरोना महामारी थी, देश में 9301 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दूसरे देशों को निर्यात की गई, वहीं 2019-20 में 4514 मैट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट की गई। अब देखिए साहब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई ऑक्सीजन की बेहद कमी है वहाँ पर। वहीं अपनी सरकार अपनी जो 60% जो उसका उत्पादन है उसको वो एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी देखिए देश के रिलायंस सेल, टाटा स्टील, आर्सनर, मित्तल, निप्पन स्टील जैसे जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्होंने अपने प्रोडक्शन घटा के ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया है और उसकी सप्लाई भी वो फ्री में कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार एक्सपोर्ट कर रही है। ये हमारी आपकी खबर नहीं है, ये वाणिज्य मंत्रालय के डाटा हैं। अब जब ऑक्सीजन के एक्सपोर्ट पर का मामला खुद केंद्र का सरकार का है, वाणिज्य मंत्रालय के डाटा सामने आए तो सरकार की आंख खुली, क्रिटिसाइज होने लगा, तो उन्होंने अब एक्सपोर्ट रोक दिए। ये हाल कोरोना के टीकों का भी हुआ था। भारत विश्व वैक्सीन में सबसे बड़े निर्माताओं में आता है, पर मोदी जी की ये पॉलिसी है कि जो उनके यहाँ बड़ी अच्छी चीज़ हो उससे वो देश को कम विदेशों को ज़्यादा लाभान्वित कराएं। उन्होंने जनवरी 21 से मार्च तक दुनिया भर के भारत के 6 करोड़ जो टीके हैं उनको निर्यात कर दिया। उन्होंने नेपाल की जो सेना को 1 लाख टीके दिए, मॉरिशस के साथ कई अन्य राष्ट्रों को भी 2-2 लाख टीके दिए। ये तो 2-3 नाम, उन्होंने पाकिस्तान को भी दिया था, बांग्लादेश को भी दिया था। बांग्लादेश गए थे तो उन्होंने गिफ्ट के तौर पर टीके पेश किए थे, अब हमारे पास नहीं है, उनके यहाँ इफरात में आ गए, क्योंकि चीन ने भी उनको सप्लाई कर दिया है। बांग्लादेश से यहाँ तक पाकिस्तान में भी, जैसे हमने बताया, गिफ्ट के रूप में दिए गए, क्योंकि उनकी चाह विश्व गुरु बनने की थी। और इसी के साथ ये खबर उड़ गई थी कि अगर आप ऐसा करेंगे विश्व शांति के लिए तो आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा, लालच नोबेल प्राइज की थी। मोदी जी के कई ऐसे फोटो आए हैं कि जो फोटो के बड़े शौकीन हैं तो अपना प्रतिबिंब कैमरे में देख के बड़े खुश होते हैं। नार्सिसिस्ट है, नार्सिसिस्ट एक राजा था जो ये समझता कि बहुत बड़े खूबसूरत हैं, उसके बड़े बड़े बाल होते थे, वो हरदम बड़े आदमकद आईने के सामने खड़ा रहता था और अपने बाल सहलाता रहता था, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा खूबसूरत समझता था। और फिर दूसरी बात है, विश्व गुरु बनने चाहते हैं, प्रधान सेवक से वो विश्व गुरु बनना चाहते हैं। आप उनका आजकल हुलिया भी देखे तो बिल्कुल विश्व गुरु जैसा हो गया है। इसी से जो रेमडेसिविर जैसी प्राणदायक मेडिसिन है, भारत के करीना कॉल में ही 6 महीने के अंदर 10 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन है निर्यात किए गए, 10 लाख इंजेक्शन निर्यात किए गए कोरोना काल में। इस निर्यात को अभी तक नहीं रोका गया है, यहाँ किल्लत हो रही है। हाँ, खबरें जरूर चलने लगी हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये फ़ायदेमंद नहीं है, तो खबरें कौन चला रहा है? गोदी मीडिया चला रहा है। हम विदेशों को दे रहे हैं, अपने देश में देख लीजिए क्या हालत मची हुई है, रो रहे हैं लोग बाग, मुंबई में देख लीजिए क्या हुआ ऑक्सीजन की कमी से, दिल्ली में देख लीजिए, केजरीवाल को आश्वासन दिया गया कि ऑक्सीजन भेज रहे, लेकिन आएगी कहाँ से। मैंने जैसा अर्ज किया है कि पुरानी दिल्ली में जहाँ छोटे छोटे कारखाने, उन्होंने कारखाने बंद करके उनमें ऑक्सीजन बनाना, उनकी फिलिंग करना शुरू कर दिया है, लेकिन सरकार
एक्सपोर्ट की तरफ देख रही है, क्योंकि फुर्सत ही नहीं है बंगाल के चुनाव से, उत्तर प्रदेश में फकत ही नहीं है पंचायत चुनाव से, बिहार में भी चुनाव आने वाले हैं। तमाम दबाव पड़ रहा है कि चुनाव को थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाए, नहीं हो रहे हैं, लाशों के सौदागर हो गए हैं। हम लोग अपनी राजनीति लाशों से करते हैं, एक डर बिठालते हैं, जैसे फिल्मों में विलेन होता है उस तरीके से एक कोरोना विलेन को खड़ा कर दिया है। पूरी दुनिया में कोरोना का तहलका ख़त्म हो गया है। आप अमेरिका में अगर फ़ोन करके पूछे, कहते हैं हाँ यहाँ पे है, मास्क लगाना है, दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन पेंडेमिक नहीं है। इसराइल में तो उन्होंने मास्क ही ख़त्म कर दिए, हज के लिए टीका ज़रूरी हो गया, हज भी शुरू कर दिया है उन्होंने, लिमिटेड लोग जाएंगे। यहाँ कुंभ का मेला देख लीजिए, उस पर बेशर्मी से कहा जाता कि तबलीगी जमात में कोरोना फैल सकता है, कुंभ में नहीं फैल सकता, जहाँ 1 करोड़ लोग इकट्ठा हुआ, तबलीगी जमात में उसके सिर्फ 2,500 आदमी थे, वो भी फंस गए थे, छुपे नहीं थे, फंस गए थे, सोचने वाली बात है। इसी के साथ हम लेते हैं विदा और सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक्सपोर्ट बंद करके अपने देश का भी ख्याल कर लीजिए। अगले एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।